हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मनी फॉर मी इक्विटी सर्विसेज। टुडे अगेन वी आर गोइंग टू सी वन मोर स्टॉक दैट इज़ लुकिंग गुड फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मतलब 6 से 12 महीने के होल्डिंग के पीरियड के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। बिफोर दैट, यहाँ पे हमारी वेबसाइट है, ईमेल आईडी है, ऑफिशियल मोबाइल नंबर है, या टेलीग्राम चैनल का लिंक है। सो अगर आप इंट्राडे प्लेयर्स हो या फिर आप चार्ट एनालिस्ट हो, सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर द लाइव मार्केट अपडेट्स एंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट अपडेट्स। तो ये चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है। आगे जाने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट लेते हैं। जैसे कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है मनी फॉर मी इक्विटी सर्विसेज, सो यहाँ पे हम यूजुअली निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म स्टॉक्स हो, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट टाइम बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो है वो चार्ट एनालिसिस डाला था। जब हमने डाला था तब बैंक ऑफ महाराष्ट्र 20 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा था और उसके बाद शेयर के प्राइस ने यहाँ पे 25 रुपीज़ 10 पैसे के आसपास यहाँ पे हाई लगाया है इन 2-3-4 वीक्स के अंदर। लास्ट वीक में हमने यहाँ पे बोला था कि निफ्टी पहले 18600 जाएगा, मतलब लाइफ टाइम हाई के आसपास जाएगा, एंड देन उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। उसी हिसाब से निफ्टी ने यहाँ पे 18400-450 तक हाई बनाया और देन वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन दिया है। सो आप ये टेलीग्राम यूट्यूब चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो फॉर दिस काइंड ऑफ अपडेट्स। नाउ कम टू द चार्ट। यहाँ पे मार्सन फार्मा एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक है जो हमें अच्छा लग रहा है करंट लेवल से। सो यहाँ पे हम पहले उसका थोड़ा हिस्ट्री का बात करते हैं, देन वी विल गो टू द करंट सिनेरियो। सो यहाँ पे स्टॉक एक अच्छा खासा रैली बना चुका था हिस्ट्री में, अराउंड 100 रुपीज़ 120-110 के आसपास। देन वहाँ से एक सडन फॉल आया। सडन फॉल आने के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन टू ग्रेजुअल फॉल के अंदर चला गया। बट यहाँ पे अगर हम बात करें आफ्टर लॉकडाउन, मतलब जब कोविड आया, सो कोविड के बाद जो भी फार्मा सेक्टर थे, फार्मा सेक्टर का जो भी स्टॉक्स थे, सभी स्टॉक्स ने अच्छा खासा रैली दिखाया। उसी तरह मार्सन फार्मा ने यहाँ से 10 रुपए के लेवल से लेके यहाँ तक अगेन 100 रुपीज़ के हाई दिखाए और ये जो रेजिस्टेंस जोन था, सप्लाई जोन, वहां से फिर करेक्ट हुआ है। करेक्ट होने के बाद 10 रुपए का स्टॉक्स 100 रुपीज जाता है, दैट मीन्स 10 टाइम्स वो इंक्रीज हुआ है। 10 टाइम इंक्रीज होने के बाद वो अगेन 40 रुपीज पे आता है, मतलब वो 6 टाइम डिक्रीज हुआ है, 6 टाइम। सो नाउ ये 100 रुपए का स्टॉक हमें 53-54 रुपीज में मिल रहा है। सो ये इज इट गुड लेवल और बैड लेवल? सो एज पर माय व्यू ये तो अच्छा खासा है, बट व्हाट अबाउट फंडामेंटल्स? फंडामेंटल्स हम देखें, सो कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं के बराबर है, कंपनी इज अ ग्रोविंग दैट इज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, कंपनी इज फोकसिंग ऑन बिजनेस एक्सपांशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है, कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है। सो फंडामेंटली यहाँ पे मार्सन फार्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पे चार्ट की बात करूँ, इट इज अ मंथली चार्ट, मंथली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मैं अगर लाइन चार्ट लगाता हूँ और थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ मैं चार्ट को, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह आपको पैटर्न दिख रहा होगा, राइट? सो ये मुझे सिग्नल दे रहा है कि ये स्टॉक ने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे बॉटम बना चुका है। नाउ इट इज रेडी फॉर न्यू हायर आय हायर लोज हायर आय हायर लोज, दैट मींस ये अगेन 100 रुपीज के लेवल पे जाने के लिए रेडी है गाइस, बट इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 6-12 मंथ्स, 6 से 12 महीने का अगर आप इसको टाइम फ्रेम देते हो और ये शेयर आप यहाँ पे 53-54 रुपीज में खरीदते हो, सो ये आपको अच्छे खासे रिटर्न बना के दे सकता है। सो इस बेस पे मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है बेस्ड ऑन दी चार्ट एज वेल एज फंडामेंटल्स। सो ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, मैं इसको पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐड कर चुका हूँ। सो इट इज माय पर्सनल व्यू जस्ट फॉर अ स्टडी पर्पस। सो इफ यू वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ पोजिशन और एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, सो प्लीज एड यूर ओन एनालिसिस बिफोर टेक एनी काइंड ऑफ पोजिशन और टेक एडवाइस फ्रॉम यूर एडवाइजर। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा, सो प्लीज लाइक अवर वीडियो, शेयर अवर यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब विद द बेल आइकॉन। बाय बाय फ्रेंड्स, कीप इन टच।